हे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं आराधना अग्रवाल आप लोगों के समक्ष इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल पार्ट टू लेकर आई हूँ. पहला जो पार्ट है उसमें मैंने लिसनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था. व्हाट इज़ लिसनिंग, हाउ लिसनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग. इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं बैरियर्स की बात करूँगी, वो अवरोध जो हमें गुड लिसनर बनने से रोकते हैं. लेट्स स्टार्ट. नाउ देर आर मेनी बैरियर्स. उन सभी बैरियर्स के बारे में मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगी. ये जो बैरियर्स होते हैं उनके कारण स्पीकर का मैसेज सही तरीके से लिसनर को डिलीवर नहीं होता और वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता, रिसीव नहीं कर पाता और इसी कारण वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता. जैसा स्पीकर को रिस्पॉन्स चाहिए लिसनर का, वो दे नहीं पाता क्योंकि बैरियर्स जो है दोनों के बीच में आ जाते हैं. नाउ लेट्स गो इन डिटेल. बैरियर, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स? बैरियर्स मीन्स अवरोध. बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उनमें से एक है ओवर अंडर रीचिंग. जो आपका मैसेज है वो कभी अंडर रीच होता है, जितना रीच होना चाहिए वो नहीं हो पाता, कभी ओवर रीच हो जाता है, सही तरीके से नहीं जाता क्योंकि जब लोग ज़्यादा समझ लेते हैं तो भी मिस इंटरप्रेट करते हैं और जब कम समझते हैं मैसेज को, सेंस जब कम निकालते हैं तो भी वो मैसेज मिस इंटरप्रेट होता है. स्टीरियोटाइप रिएक्शंस. आप जब देखोगे क्राउड में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्टीरियोटाइप रिएक्शंस देते हैं. वो पहले से ही प्री कंसीव्ड आइडियाज लेकर उपस्थित होते हैं स्पीकर को सुनने के लिए और स्पीकर की हर बात को वो बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और जहाँ जरा सा भी डिफरेंस नज़र आता है उनको अपने आइडिया से, तो वो लिसनिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ कैजुअल हियरिंग करते हैं. टेकिंग द स्पॉटलाइट. ये जो स्पॉटलाइट है ये हम सब स्पीकर बनना चाहते हैं, लिसनर हम नहीं बनना चाहते. बहुत बेमन से कभी कभी लिसनर बनना पड़ता है. तो क्या होता है कि जब बहुत सारे वक्ता रहते हैं तो पहले वक्ता को, वक्ता के स्पीच को ख़त्म करने का इंतज़ार दूसरे हर वक्ता करते हैं और वो अच्छे लिसनर नहीं हो पाते क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले के वक्ता जो है वो जल्द से जल्द अपना स्पीच ख़त्म करे, अपना मैसेज डिलीवर करे ताकि उनका समय आए, वो स्पॉटलाइट ले सके. तो ऐसे में वो जो होते हैं वो सही से लिसनिंग नहीं कर पाते जो वक्ता कहना चाह रहे. अनसुटेबल रिस्पॉन्सेस. जब ये सारी बातें मस्तिष्क में चल रही होती है तो हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है स्पीकर की तरफ वो जो रहता है अनसुटेबल रहता है. हम शायद इंटरप्ट करने लग जाते हैं, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और इस तरह से हम स्पीकर को डीमोटिवेट करते हैं कि वो अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखे. प्रिटेंड कॉम्प्रिहेंशन. क्राउड में बहुत ऐसे भी रहते हैं लिसनर जो कॉम्प्रिहेंशन को प्रिटेंड करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कॉम्प्रिहेंशन प्रिटेंड करना यानी वो आई कांटेक्ट कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे. उनके बॉडी पॉस्चर से आपको पता चल जाएगा कि वो सिर्फ फेक अटेंशन दे रहे हैं. इनएप्ट नॉन वर्बल क्यूज. जब ऐसे लिसनर्स रहते हैं तो स्पीकर उनके नॉन वर्बल क्यूज से समझ जाते हैं कि यहाँ जो है इन अटेंटिव क्राउड ज़्यादा है या अनरिस्पॉन्सिव क्राउड ज़्यादा है और ये बहुत बहुत ही गलत होता है स्पीकर के लिए क्योंकि वो बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं. कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस. जो रिस्पॉन्स होते हैं लिसनर के वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं. वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी समझ के बाहर होता है. तो स्पीकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जल्द से जल्द अपनी जो स्पीच है वो ख़त्म करके मैसेज को इफेक्टिवली डिलीवर ना करके वो सिर्फ अपना कार्य पूरा करते हैं और इस तरह से जो लिसनर हैं जो सही में वहाँ अच्छे लिसनर हैं उन्हें वो पूरा का पूरा जो उनका कॉम्प्रिहेंसिव जो लिसनिंग है वो अफेक्ट करता है, उनकी क्रिटिकल लिसनिंग वो अफेक्ट करती है सिर्फ कुछ लोगों के कारण. फिजिकल बैरियर.
बहुत बार होता है हम परेशान रहते हैं, हमारी तबीयत खराब रहती है, पर हम मीटिंग अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, और हमारा जो फिजिकल बैरियर है वो अनकॉन्शियसली क्लास को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि स्पीकर हमें देख रहे होते हैं और हमारे नॉन वर्बल क्यूज से शायद वो डिस्करेज भी होते हैं, शायद वो अनॉयड भी होते हैं, और उनके अनॉयंस से, उनके डिस्करेज होने से पूरी की पूरी क्लास भी अफेक्ट होती है, पूरा का पूरा मीटिंग का माहौल भी चेंज हो जाता है। कल्चरल बैरियर्स, जो कल्चरल बैरियर्स हैं ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हम सब डिफरेंट कल्चर्स से आते हैं, और जहाँ पर मिक्स कम्युनिटी रहती है, जहाँ पर इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी रहती है, वहाँ बहुत ही स्वाभाविक है कि कोई भी एक मैसेज को मिस इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि कल्चरल जो बैरियर है वो जब तक आप नहीं जानते हो कि जो आपके लिसनर्स हैं उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, तो आपके मैसेज को बहुत ही स्वाभाविक है मिस इंटरप्रेट किया जाए। तो कल्चर बैरियर सिर्फ कल्चरल बैकग्राउंड नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा एज, बहुत बार होता है कि एज डिफरेंस जो होता है वो भी हमें गुड लिसनर बनने से रोकता है, क्योंकि हम एक स्टीरियोटाइप नोशंस लेके आते हैं कि अगर हम अपने जूनियर को सुनने जा रहे हैं, अगर हम किसी अपने से छोटे को सुनने जा रहे हैं उम्र में, तो हम सोचते हैं इससे हम क्या सीखेंगे, इससे ज़्यादा तो हमें पता है। तो यहाँ एक बैरियर आ जाता है और हम अच्छे लिसनर नहीं बनते। एजुकेशन, अगर हम हाईली एजुकेटेड हैं तो शायद हम बहुत अच्छे से लिसनिंग ना करें उन लोगों को जो हमसे थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। जेंडर, यस जेंडर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत बार होता है ये जेंडर जो डिफरेंस होते हैं इनके कारण भी बैरियर्स आते हैं लिसनिंग में। हम शायद अपोजिट जेंडर को सुनना पसंद ना करें, या हम कम सुनना पसंद करते हैं। सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक पोजीशन, ये दोनों भी बहुत बड़ा बैरियर हैं। हम अपने से जो थोड़े नीचे तबके के लोग हैं उनसे कोई सलाह लेना पसंद नहीं करते, उनका कोई मैसेज हम सीरियसली नहीं लेते, चाहे वो कितना ही गोल्डन मैसेज हमें दे रहे हों। तो ये कल्चर बैरियर्स के रूप में आता है। कल्चर बैकग्राउंड मैंने आपको पहले ही बताया। टेम्परामेंट, अब हमारा मूड कैसा है, हम लिसनर हैं, हमारा मूड कैसा है। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है और हम बेमन से वहाँ पर हम स्पीकर के सामने हैं, तो वो जो हमारा टेम्परामेंट है वो नॉन वर्बल क्यूज के रूप में हमारे चेहरे पर आएगा, हमारे बॉडी पोस्चर में आएगा, और इससे क्या होता है कि वहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाता है। हेल्थ, अगर हम बीमार हैं तो निश्चित रूप से हमारा सिर दुख रहा है, हमें बहुत बहुत तेज जुकाम है, हम बिल्कुल बैठ नहीं पा रहे, हमारा हाथ हाथ पाँव में दर्द है, तो ये सब पता चलता है स्पीकर को, क्योंकि हमारी जो बॉडी का पॉस्चर है, हमारी जो बॉडी है वो ये मैसेज दे देती है, भले ही हम ना कहें कुछ, पर ये मैसेज स्पीकर के पास पहुंच जाता है कि हमारी हेल्थ इश्यूज के कारण हम अच्छे लिसनर नहीं बन पा रहे। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, अगर बहुत जन होते हैं ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, अगर स्पीकर का अपीयरेंस अच्छा नहीं है, उसने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया ठीक से, तो हम शायद उतने ध्यान से उसकी बातें नहीं सुनेंगे, हम थोड़े जजमेंटल हो जाएंगे। पॉपुलैरिटी, अगर पॉपुलैरिटी में स्पीकर कम है या हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा, तो शायद हम उसे सीरियसली नहीं लेंगे, सुनेंगे। रिलीजन भी होता है जिसके कारण ये एक बैरियर के रूप में आता है। पॉलिटिकल बिलीफ, हमारे अगर पॉलिटिकल बिलीफ डिफरेंट है और जो तो हम दूसरे पॉलिटिकल बिलीवर्स को नहीं सुनना पसंद करते हैं। एथिक्स, अगर हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज, हमारे मोटिव्स मैच नहीं कर रहे हैं स्पीकर के साथ, तो हम गुड लिसनिंग नहीं करते हैं। हमारे अजम्पशंस, अगर हमने कुछ और सोचा है कि यार स्पीकर ये बोलना है, बोलेंगे वो बोलेंगे, और तभी हम देखते हैं कि वो टॉपिक से डेविएशन हो रहा है, टॉपिक से दूर जा रहे हैं, तो शायद हमारा ध्यान बढ़ जाएगा और हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, और हम अच्छी बातें और हम अच्छे से सुनेंगे नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत बार होता है रूल्स रहते हैं,
उन रूल्स को फॉलो करने में, उन रेगुलेशंस को फॉलो करने में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अच्छी लिसनिंग नहीं कर पाते। वो मैसेज डिलीवर तो होता है पर हमारे पास नहीं आ पाता। स्टैंडर्ड्स, हम अगर हमने कुछ स्टैंडर्ड्स अपने बना रखे हैं, उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं हो रहा है, तो फिर हम अच्छी लिसनिंग नहीं करेंगे, हम बैड लिसनर बन जाएंगे। प्रायोरिटीज, हमारी अगर प्रायोरिटीज डिफरेंट हो तो भी हम गुड लिसनिंग नहीं करेंगे। हमें अगर कुछ और पहले करना है और हम बैठ के हम लिसनिंग कर रहे हैं, तो शायद जो प्रायोरिटीज है हमारी वो इनको सुनना नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे और हम डीमोटिवेट करेंगे स्पीकर को। तो इस तरह से हम और जो स्पीकर है, लिसनर और स्पीकर के बीच में अंतर आ जाता है और एक बैरियर क्रिएट होता है। यहाँ देखिए लैंग्वेज बैरियर है। अगर हमारी लैंग्वेज में बातें नहीं आ रही है, हमारे पास मैसेज नहीं डिलीवर हो रहा है, तो भी हम गुड लिसनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर एक शब्द का मतलब ढूंढेंगे, उनका अर्थ ढूंढेंगे और फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे अपनी भाषा में, फिर जब मैसेज आएगा। तो ये बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। तो कभी-कभी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है एक गुड लिसनिंग के रास्ते में। और इसीलिए जब हमें कोई स्पीच सुनी रहती है, जब हम किसी किसी के स्पीकर को सुनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उस लैंग्वेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस मैसेज को हम अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। देखिए ये इंटरनेशनल अराइवल्स है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने हाथ आगे किया हैंडशेक करने के लिए, और इस व्यक्ति ने अपना जो है, उन्होंने वो अपने कार्ड को दे रहे हैं और वो हाथ आगे कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं व्हाट डू आई डू नाउ, और ये व्यक्ति कह रहे हैं व्हेन इज ही गोइंग टू टेक माई कार्ड, कि ये मेरा कार्ड कब लेंगे। इनकी इंटेंशन दूसरी है, इनका इंटेंशन दूसरा है। अब यहाँ देखिए ये लेडी है, ये इनके यहाँ कल्चर है कि जब ये मिलती हैं तो शायद ये बहुत ही किसिंग जो है वो इनका कल्चर है, जब वो मिलती हैं तो किस करती हैं, लेकिन इनका कल्चर ये नहीं है। इसीलिए जब वो सामने आ रही हैं तो ये जो है बोल रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, और मैं ये इनका ये कल्चर है, दिस इज हर कल्चर। वो सिर्फ ही सिम्स अ बिट अनफ्रेंडली, वो एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाना चाह रही हैं, बट ये जो है पीछे हट रहे हैं क्योंकि ये इनका कल्चर नहीं है। और ये कह रहे हैं कि इट्स काइंड ऑफ मेरे पर्सनल स्पेस पर वो हावी हो रही है या उस पर दखल दे रही हैं, वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं। ये जो व्यक्ति ये नमस्ते कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आई एम नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू, अब मैं इनके बाद मैं हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो बैरियर्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो हर एक कंट्री के कल्चर को समझे और उसी उसी के अनुरूप वो व्यवहार करें, उसी के अनुरूप वो अपना मैसेज डिलीवर करें, ताकि कहीं भी ऐसी ऐसे सिचुएशन ना आए। तो कल्चरल बैरियर्स क्या है? आपके थिंकिंग, आपके देखने का नजरिया, आपके सुनने का और समझने का नजरिया, ये हर व्यक्ति का अपना ओन होता है। हम जिस कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं वो हमेशा हमें गाइड करता है और हम उसी दायरे में रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस हम कोशिश करें कि हम दूसरे कल्चर के बारे में जानें। तो एक ही शब्द कई जगह कई मायने में डिफरेंट हो जाता है, और इस तरह से क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट होता है। हालांकि लैंग्वेज सेम हो सकती है, बट दूसरे कल्चर में वो दूसरा मीनिंग होता है उस शब्द का, तो इस तरह से एक बैरियर क्रिएट होता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब आप मिक्स कम्युनिटी में जाएं, जब आप ग्लोबल कम्युनिटी में जाएं, तो निश्चित रूप से जो आपके लिसनर्स हैं उनके कल्चर बैकग्राउंड के बारे में आप एक जानकारी ले लें, ताकि आप जो मैसेज डिलीवर करें वो उनको सुटेबल हो, उनको समझ में आए, उनके कल्चर के अनुसार आप उनको, उनके लैंग्वेज के अनुसार आप उनको अपना मैसेज दें।
अब यहाँ देखिए कुछ और बैरियर्स के बारे में मैं बता दूँ। कॉमन पर्सनल बैरियर्स क्या है वो तो आपने देखा, कल्चरल बैरियर्स। कॉमन पर्सनल बैरियर्स क्या है? सिलेक्टिव अटेंशन, हम पूरे स्पीच में वही पार्ट ध्यान से सुनते हैं जब हमारा जो अटेंशन होता है, जब हमारा टॉपिक आता है, एंड दैट इज़ बैड हियरिंग, दैट इज़ बैड लिसनिंग। क्योंकि अगर हमने स्पीकर अगर 20 मिनट अपनी स्पीच रख रहे हैं और हमसे 5 मिनट जो हम जब हमारा टॉपिक आता है जो कि सिर्फ 5 या 7 मिनट का है और हम उसी पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो बाकी के समय हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरप्ट कर रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्पीकर को। लैक ऑफ नॉलेज, अगर हमारी नॉलेज प्रॉपर नहीं है, अगर हमारी नॉलेज प्रॉपर नहीं है और हम एक नई चीज़ सीखने के लिए हम गए हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है कि हम स्टीरियोटाइप नोशंस लेके गए हैं, क्योंकि हमारी लर्निंग जो है लिटिल लर्निंग है, हमारी हमारी नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो हमें सब कुछ बहुत ही हमारे ओवर रीचिंग होगा, सिर के ऊपर से जाएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर भी क्या होता है कि हम बैड लिसनिंग करने लग जाते हैं। लैक ऑफ वोकैबुलरी, लैक ऑफ वोकैबुलरी, हम चाहते तो हैं स्पीच सुनने के लिए लेकिन हम उस लैंग्वेज को जानते ही नहीं हैं, हमारी वोकैबुलरी इतनी है ही नहीं। तो जब स्पीकर कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो हमें नहीं पता, हम उसके वजह से नहीं जानते, तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन नहीं आती। बहुत बार होता है कि आपने देखा होगा कि जो रीजनल मीडियम के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, वो जब इंग्लिश में लेक्चर सुनते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, तो ये लैक ऑफ वोकैबुलरी के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो अच्छे लिसनर नहीं बन पाते, वो मैसेज को अच्छे से रिसीव नहीं कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते। और इसके कारण क्या होता है कि उनका समय भी नष्ट होता है, वैल्यूबल समय भी नष्ट होता है और वो डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं स्पीकर को। लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, अब आपने देखा लिसनिंग स्किल्स कैसे लैक ऑफ, क्योंकि हम अगर सिर्फ हियर कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम लिसन नहीं कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हम लिसनिंग स्किल क्या होती है, तो हम एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। और स्पीकर अगर हमें देख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से डीमोटिवेट हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से अनइंटरेस्टेड हो रहे हैं, निश्चित रूप से अनॉयड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि मैं किन्हें बता रहा हूँ अपनी बातें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप में लिसनिंग स्किल आए। उसके बाद आप देखो यहाँ पर रॉन्ग टारगेट, बहुत बार होता है कि हमारा टारगेट रॉन्ग रहता है, हम जो एज ए स्पीकर मैं बोल रही हूँ, हम गलत ऑडियंस के पास चले जाते हैं, हमारा मैसेज कुछ और रहता है और हम डिलीवर किसी और ग्रुप को कर रहे होते हैं, तो ये रॉन्ग टारगेट होता है। रॉन्ग फॉर्मेट, बहुत बार होता है हमारा फॉर्मेट रॉन्ग होता है। अब इंजीनियरिंग के बच्चों को हम सिखा रहे हैं, हम कुछ मैसेज देना जा रहे हैं, हम स्पीच दे रहे हैं, हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो फॉर्मेट है वो किसी और तरह के ऑडियंस की तरह को समझाने जैसा है, तो यहाँ भी आपको बैरियर्स मिलेंगे। टेक्निकल ब्रेकडाउन बहुत ही कॉमन है, जैसे अभी हम सब डिजिटल हो रहे हैं, बहुत बार हुआ है कि टेक्निकल ब्रेकडाउन के कारण मीटिंग कैंसिल हुई है, मीटिंग सही से हो नहीं पाई है, या जो मैसेज है, टॉपिक है, क्लासेस हैं, समझ में नहीं आ पाया है। रिसीवर अनेबल टू अंडरस्टैंड, रिसीवर क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, आपने देखा होगा लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ वोकैबुलरी, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स के कारण रिसीवर ने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। या फिर कभी कभी होता है स्पीकर के पास ही वो नॉलेज नहीं होती अच्छे से, वो वोकैबुलरी नहीं होती, कि वो उनके सामने जो ऑडियंस है, जो बहुत हाईली एजुकेटेड ऑडियंस है या फिर बहुत तरह के ऑडियंस होते हैं, तो आप अगर सही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर भी क्या होता है कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो आपको सुनना पसंद नहीं करते। एटीट्यूड टुवर्ड्स सेंडर, अब आपका जो एटीट्यूड है जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो लिसनर की तरफ, अगर आपका एटीट्यूड फेवरेबल नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपका मैसेज जो है नहीं जाएगा लिसनर के पास द वे यू वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड। रॉन्ग चैनल, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका
टारगेट ऑडियंस कोई और है और आप कहीं और जाकर अपना मैसेज वही मैसेज डिलीवर कर रहे हो, तो ये रॉन्ग चैनल होगा और ये आपका मैसेज सही मायने में सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा। नो फीडबैक, बहुत बार होता है फीडबैक नहीं मिलता, तो इससे क्या होता है जो स्पीकर रहते हैं वो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, स्पीकर जो होते हैं बहुत ही अपने आप में हतोत्साहित हो जाते हैं। पुअर टाइमिंग, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम किसी के सामने उस समय गए हैं जब वो उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो दुखी है और हम उसे कुछ अच्छा बताने जा रहे हैं, तो ये पुअर टाइमिंग हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो तो एक टाइमिंग का ख्याल रखा जाए। यूज ऑफ जार्गन, हमने बहुत भारी भारी शब्द बोल दिए अपने स्पीच में जो लोगों के ऊपर से निकल गए, लोग उनको इंटरप्रेट करें, बहुत सारे इडियम्स बोल दिए हमने, प्रोवर्ब्स बोल दिए हमने, बहुत सारे डेकोरेटेड वर्ड्स बोल दिए हमने, बहुत सारे देशों के ऐसे ऐसे हमने बहुत बार अभी देखा गया, हम फ्रेंच वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं अपने स्पीच में। अब जिन्हें फ्रेंच का कुछ भी नहीं आता उनके ऊपर से वो फ्रेंच वर्ड चला जाएगा, हालांकि हम सोच रहे हैं हमने बहुत अच्छा स्पीच दिया, हमने बहुत स्टैंडर्ड स्पीच दिया, लेकिन यूज ऑफ जार्गन के कारण क्या हुआ कि वो हमारा जो मैसेज है वो डिलीवर नहीं हो पाया। फिर अनक्लियर मैसेज, अगर हम खुद कंफ्यूज हैं अपने मैसेज में, हमारा मैसेज ही क्लियर नहीं है, हम तुरंत जंप कर रहे हैं एक कंक्लूजन से दूसरे कंक्लूजन में, हम जब समझा रहे हैं लोगों को, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या हम रूल्स जब बता रहे हैं, जब हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा मैसेज क्लियर नहीं है, हम सही तरीके से चैनल्ड वे में स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पा रहे हैं, तो ये भी एक बैरियर के रूप में आ जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये नंबर 8 है, ये नंबर 8 है, किसी के लिए नंबर 8 है, किसी के लिए 8 है, किसी के लिए इन्फिनिटी का साइन है, तो हर लोग की धारणा अलग अलग है, जो भी लोग हैं उनकी धारणाएं अलग अलग है नंबर 8 ही, पर हर लोग अपने कल्चरल बैकग्राउंड के अनुसार, अपने नोशन के अनुसार, प्री कंसेप्ट आइडियाज के अनुसार इसे इंटरप्रेट कर रहा है, हालांकि ये अपने आप में एक फिगर है जिसे लोग अपने अपने अंदाज से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही होता है रियल लाइफ में भी, जब बहुत सारे तरह के ऑडियंस होते हैं, मिक्स्ड ऑडियंस होते हैं, तब स्पीकर के मैसेज को हम अपने अपने तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ, नॉइज इज द बिगेस्ट फिजिकल हर्डल इन लिसनिंग, अगर बहुत सारी आवाजें आ रही है तो ये बिगेस्ट हर्डल है लिसनिंग की। आप बहुत अच्छे लिसनर हैं परंतु टेक्नोलॉजिकल ब्रेकडाउन के कारण या फिर समझ लीजिए नॉइज के कारण आसपास बहुत नॉइज है तो आप नहीं सुन पाएंगे अच्छे से, और ये नॉइज सिर्फ बाहरी नॉइज नहीं होता, ये इमोशनल नॉइज होते हैं, एक्सटर्नल नॉइज होते हैं, इंटरनल नॉइज होते हैं और कल्चरल नॉइज होते हैं, जो कि कई तरह के बैरियर्स के रूप में हमारे यहाँ आते हैं। फिजिकल नॉइज कौन से होते हैं? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अब जहाँ पर आपकी क्लास चल रही है या आपका स्कूल है, कॉलेज है, सेमिनार हो रहा है, ऑफिस है, वहाँ आसपास कहीं अंदर ही दूसरे जगहों पर पास ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, तो निश्चित रूप से आप सुन नहीं पाएंगे और ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाएगा। एयर कंडीशन, एयर कंडीशनर की आवाज़ आती है, एयरप्लेन अगर सामने आपके जहाँ आपका प्रेमाइस है, जहाँ पर आप सुनने गए हैं, वहाँ के आसपास अगर एयरपोर्ट हो, एयरप्लेन उतर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप नहीं सुन पाएंगे उनकी आवाज़ के बीच। नॉइजी कॉन्फ्लिक्ट नियर बाय, अगर आपके आसपास के लोग जो हैं वो स्टीरियोटाइप्ड हैं, वो कई तरह के कल्चरल प्री कंसेप्ड नोशंस के साथ हैं, तो आपस में वो आप बातें करेंगे और इससे क्या होगा, आप चूंकि गुड लिसनर हैं, आप सुनना चाहते हैं मैसेज को पर आप सुन नहीं पाएंगे। लाउड म्यूजिक, अगर कहीं लाउड म्यूजिक चल रहा है तो भी एक्सटर्नल बैरियर है, नॉइज है। बार्किंग डॉग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह बार्किंग डॉग्स होते हैं और वो घरों में भी होते हैं, तो
उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब हम कुछ सुन रहे होते हैं, तो ये एक तरह का नॉइज क्रिएट करते हैं और हमारे सुनने की एबिलिटी को, लिसनिंग की एबिलिटी को कम करते हैं, अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल नॉइज, वरीज अबाउट मनी। अब आप ऑफिस में हैं, मीटिंग में हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है शायद किसी फिनेंशियल गेन पर है, या फिर आप कुछ और सोचें जो मनी से रिलेटेड है। बहुत सारी हमारे थॉट्स मनी को लेकर चलते हैं, तो उस समय आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्रशिंग डेडलाइंस, अगर एक आपको प्रायोरिटी में कुछ और है और आप को डेडलाइन में आपको आप बस दबे जा रहे हैं डेडलाइंस के अंडर में, तो शायद आप कोई भी मीटिंग ध्यान से नहीं सुन पाएंगे, आप कोई भी स्पीकर को अपना 100% अटेंशन नहीं दे पाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक अदर पीपल इन द रूम, अगर रूम में कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप नहीं पसंद करते, तो शायद आपका जो ध्यान होगा वो बटेगा, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो तब भी आपका ध्यान जो है वो बटेगा। टाइट डेली शेड्यूल, अब आप मीटिंग में आ गए हैं पर आपका एक शेड्यूल बना हुआ है कि इस मैं बस 15 मिनट यहाँ दूंगा, लेकिन वहाँ पर 15 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, स्पीच ख़त्म नहीं हुई बिकॉज ऑफ सम नॉइज और ये एडजस्टमेंट, और इसके कारण स्पीच शुरू ही देर से हुई और वो जो मीटिंग है देर तक चली, और आप जो है बहुत ही टाइट शेड्यूल में हैं, तो निश्चित रूप से आप नहीं सुन पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। बायसेस रिलेटेड टू द स्पीकर और कंटेंट, अगर आप साइकोलॉजिकल बायस आप में बायस हैं, जैसे कि जेंडर बायस होते हैं, एज बायस होते हैं, फिर बहुत सारा हम मैंने जो पहले आपको कल्चरल बैरियर्स में बताया, अगर इस तरह से आप बायस हैं स्पीकर को लेकर, तो भी आप अच्छे, या कंटेंट को लेकर, टॉपिक को लेकर, तो भी आप शायद अच्छे लिसनर नहीं बन पाएंगे। आप वो नई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उससे स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस पर उस टॉपिक पर बात करना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, और वो अगर टॉपिक आ गया है तो आप निश्चित रूप से सिर्फ हियरिंग, कैजुअल हियरिंग करेंगे। नाउ फिजियोलॉजिकल नॉइज, फीलिंग इल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हैविंग हेडेक, सिर भारी हो रहा है, ग्रॉलिंग स्टमक, शायद बहुत भूख लग रही है आपको और मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, स्टमक कह रहा है खाने के कुछ। रूम इज टू कोल्ड और टू हॉट, टेम्परेचर जो है या तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, तो भी फिर आप अच्छे लिसनर नहीं बन पाएंगे। ना सिमेंटिक नॉइज, स्पेशल जार्गन, अगर जार्गन का यूज हो रहा है स्पीच में तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। यूफेमिज्म, अगर आप, मैंने कहा ना जितने भी अलंकारित जितने भी शब्द हैं अगर स्पीच में है तो वो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। यूनिक वर्ड यूजेज, फ्रेज फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस, मिस प्रोनाउंसिएशन, बहुत बार होता है मिस प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या कह रहे हैं स्पीकर, क्योंकि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। नाउ यहाँ देखिए, इनका पूरा ध्यान मोबाइल पर है, ये कह रही हैं लेकिन ये इनअटेंटिव है, इनको इनका मैसेज इनके पास नहीं जा रहा है। यहाँ पर इनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ये बीमार है, इनका सिर दुख रहा है या कुछ और सोच रहे हैं, तो ये सोच रही है क्या वो सुन भी रहा है मुझे, या मैं रुक जाऊँ या कहती जाऊँ, क्योंकि ये कुछ समझा रही है पेन लेकर। यहाँ पर देखिए मीटिंग रूम है, ये व्यक्ति जो है समझा रहे हैं और ये किसी और सोच में है, और ये नॉइज़, जितने भी तरह के जो नॉइज़ है उस नॉइज़ के कारण ये सुन नहीं पा रहे हैं जो सुनना ये चाहते हैं, जो स्पीकर की जो बातें हैं वो समझ नहीं पा रहे, मैसेज जो सही तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे। नाउ फिजिकल बैरियर्स में देखिए, हेडेक आ गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो भी आप अच्छे लिसनर नहीं है, अगर आप बहुत टायर्ड हैं आप नहीं हैं, अगर आपको डिसकंफर्ट फील हो रहा है तो भी आप यू आर नॉट अ गुड लिसनर, यू आप नहीं लिसन कर पाएंगे। अगर आपकी आई साइट पुअर है तो फिर आपका पूरा ध्यान जो है वो देखने में और सुनने में इस तरह से आप थोड़े से आप
डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पुअर आई साइट के कारण आपका ध्यान जो है देखने में जाएगा, लिसनिंग में नहीं जाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या होते हैं? सिलेक्टिव परसेप्शन, जैसे कि मैंने बताया आप एक सिलेक्टिव पोर्शन को ही ध्यान से सुनेंगे। डिस इंटरेस्ट, आप में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। इन अटेंशन, आप अटेंटिव नहीं है क्योंकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने पहले बताया, नॉइज, या तो नॉइज हो रहा है या आपके साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आपके साथ हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको बस बोला गया जाकर बैठ के सुन लो उनकी बातें और आप चले गए, लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, स्पीकर के थ्रू भी आप मोटिवेट नहीं हो रहे। स्पीकर शायद इतना डल वे में बोल रहे हैं तो आप मोटिवेट नहीं हो रहे उनको सुनने में, या फिर उनकी स्पीच में तो जार्गन है कि आप मोटिवेट नहीं हो रहे उनको सुनने में। पुअर कंसंट्रेशन, आपका ध्यान कहीं और है और आप नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। अनरिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, आपको ये लग रहा है कि मैं जो टॉपिक सुन रहा हूँ इसमें मुझे कुछ भी मेरे काम का नहीं है, और ये जो एक्सपीरियंस है अनरिवॉर्डिंग है। अनफुलफिल्ड क्यूरियोसिटी, आपने सोचा था कि बहुत कुछ जानने मिलेगा लेकिन ये उतना कुछ कलेक्ट नहीं किया गया, स्पीच में इतना कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, गैदर नहीं किया, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी वो अनफुलफिल रह गई, तो आप लिसनिंग नहीं कर करेंगे। पाए। स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, अगर आप पहले से एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो कुछ और हैं, आप एंथुजियास्टिकली नहीं आप अटेंड कर पा रहे हैं, प्रिजुडाइज्ड हैं, माने बायस्ड हैं, कुछ और सोचा था आपने, और स्पीकर के एज को लेके, एजुकेशन को लेके, सोशल स्टेटस को लेके, आप सब आप प्रिजुडाइज्ड हैं, इगोइस्टिक एटीट्यूड है, आपको ना इंस्टीट्यूशन राइट? तो फिर आप, ये साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं। बायस इवैल्यूएशन, और आप इवैल्यूएट करते हो बाय, लेकिन ये मुझे क्या सिखाएंगी, ये मुझे क्या सिखाएंगे इनसे बड़ा अच्छा तो मैं जानता हूँ। तो आप स्पीच ही नहीं सुनोगे, आप वो देखोगे ही नहीं, आप समझोगे ही नहीं क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कारण जो लिसनिंग है वो पुअर लिसनिंग हो जाती है और ये एक्टिव लिसनिंग नहीं कहलाती। यहाँ पर देखिए पैसिव लिसनिंग, देखिए ये लेडी कुछ और सोच रही है, ये बड़े बोर हो रहे हैं, इनका तो सिर दुख रहा है, इनका ध्यान कहीं और, घड़ी देख रही है शायद कब खत्म हो, ये अपने सिर पर हाथ दे के बैठी है कि अब और नहीं, बस और नहीं अब, और ये बेचारे बोले जा रहे, समझाए जा रहे। तो ऐसे में जो स्पीकर है उनको समझना चाहिए कि वो कैसे एनकरेज करे लिसनर को भी, उन्हें अपने स्पीकिंग स्किल को जरा सा पॉलिश करना चाहिए, उनको अपने जो लोगों के नेचर को समझना चाहिए और उस तरह से उनको अपना स्पीच देना चाहिए। तो मैं आराधना अग्रवाल विदा लेती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्टिव लिसनिंग स्किल सिखाऊंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू।